नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरदा पटाखा फैक्ट्री के ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुए घर और उनको लेकर पीड़ित परिवार शुक्रवार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पीड़ितों की हड़ताल की आज चौथा दिन होने वाला है। वहीं पीड़ितों का ये कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए महज 1.25 लाख रुपए मिले हैं। वहीं इतने कम पैसे में हम घर कैसे बनाए, प्रशासन हमारा घर बनाकर हमारे साथ ही दोषी अफसरों पर FIR भी करे, इस तरीके की मांगे वहां से सामने आ रही हैं। हरदा के घंटागढ़ चौराहे पर धरना दे रहे पीड़ितों का ये कहना है कि हम बीते 20 दिनों से IIT कॉलेज में बिना खाए राहत शिविर में हमें रखा गया है। वहीं 3 सप्ताह के बीच उसके बाद हमारे जीवन पटरी पर नहीं आ सका है। धरना प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं भूख हड़ताल की वजह से 3 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों को सर्व समाज का साथ भी मिल रहा है और रविवार को धरना स्थल पर उनकी व्यापारी संघ की पदाधिकारी भी मौजूद थी। इधर धरना प्रदर्शन कर रहे परिवारों का कहना है कि अब तक कलेक्टर उनसे मिलने तक नहीं आए, ना ही उन लोगों से कोई बातचीत आगे बढ़ी। इधर SDM वहां पर KC परते का ये कहना है कि पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे मंडल कलेक्टर से वो मिल चुके हैं। कलेक्टर का आश्वासन है कि धरना स्थल पर बैठे लोग लौट जाए। आपको बता दें, 6 फरवरी को हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद उनमें से 39 मकान पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। इन 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था। 48 परिवारों में से 129 लोगों को राहत शिविर में रखा गया। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि धरने पर बैठे पीड़ितों की आखिर मांगे क्या हैं। आपको बता दें, पीड़ित चाहते हैं कि मृतकों के परिजनों को 15 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा मिले। उसके साथ जितने भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, घर बनाने के लिए बाजारी भाव से उन्हें पैसा मिले। किराएदारों के नुकसान हुए हैं तो उनकी भरपाई के लिए 2.5 लाख रुपए राहत दी जाए। वहीं विकलांगों और मृतकों के परिजन जो आश्रित हैं, उनको रोजगार मिले। साथ ही मृतकों को सही आंकड़े जानने के लिए विशेष टीम का गठन हो और पूछताछ, शिनख्त, सर्वे, फॉरेंसिक जांच और इन सभी चीजों के जरिए मृतकों की सही संख्या पता लगाई जाए। हाईकोर्ट के रिटायर जज अध्यक्षता के SIT और फैक्ट फाइटिंग कमिटी गठित हो, जिसमें पीड़ितों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। मामले में उचित कार्यवाही नहीं करने पर प्रशासनिक अधिकारियों पर भी केस दर्ज किया जाए। जिम्मेदारी अधिकारियों को निशानद्रोही कर उनके खिलाफ आपराधिक अभियान दर्ज हो। साथ ही उनकी मांग है कि राजेश अग्रवाल एवं मुख्य आरोपियों के दर्ज मामले में NSA वाले और साथ ही बाल श्रम समेत हत्या के अन्य सारे धाराएं जोड़ी जाएं और विस्फोट की तीव्रता को जानकर उसकी नई विशेषक फॉरेंसिक टीम का गठन हो और साथ ही लैब में इसकी जांच हो। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि हादसे में पीड़ित लोग चाहते हैं कि होना चाहिए और मोहन सरकार द्वारा ये सारे कदम उठाने चाहिए। अभी ये सारी मांगे पूरी करने में प्रदेश की BJP सरकार पर तमाम सवाल उठने लगे हैं कि ये मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं करी गई। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि महिलाओं के प्रदर्शन करने से प्रदेश में मोहन सरकार पर आखिर क्या असर पड़ता है और ऐसे में मोहन यादव इन लोगों की मांग पूरी करने के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।